हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन के रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो फंक्शन पर बेस्ड है। आपके पास जो फंक्शन है वो 1-1 भी हो सकता है, दैट मीन्स इंजेक्टिव, या ऑनटू भी हो सकता है, दैट मीन्स सर्जेक्टिव। और अगर एक फंक्शन 1-1 और ऑनटू दोनों हो जाता है तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको क्लियर करा है कि 1-1 और ऑनटू जो है वो किस तरीके से करा जाता है प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1-1, ऑनटू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, आपके पास फंक्शन गिवन है R से R, R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर गिवन है, और फंक्शन आपको दे रखा है 3-4x। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फंक्शन गिवन है रियल से रियल, इसका मतलब जो डोमेन है वो रियल नंबर में से लेनी है, और जो कोडोमेन है वो भी आपकी रियल नंबर में से है। फंक्शन आपको गिवन है 3-4x। अगर आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो आंसर आता है आपके पास 3, अगर आप 3/4 रखते हैं तो आपको 0 भी मिल जाएगा आंसर, राइट। मतलब आपने ये चेक करना है, क्या आपके पास 1-1 के लिए आपको क्या चेक करना होता है, 1-1 के लिए ये चेक करना पड़ता है कि अगर आप x की कोई वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए आपको यूनिक रेंज मिलती है या नहीं मिलती। अगर ऐसा होता है कि हर डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट कोडोमेन पिक करी जाती है तो वो 1-1 फंक्शन कहलाता है। और ऑनटू के लिए क्या होता है, अगर आपकी पूरी की पूरी जो कोडोमेन है उसका हर एलिमेंट रेंज बन जाता है तो वो ऑनटू फंक्शन हो जाता है। तो देखिए, हम लोग यही चेक कर रहे हैं, पहली बात तो ये यूनिक आंसर्स आ रहे हैं या नहीं, दूसरी बात सब तरीके के आंसर्स इसमें से यूटिलाइज होंगे या नहीं, ये चीज आपने चेक करनी है। तो 1-1 के लिए आपने क्या चेक करा, अगर आप 0 रखेंगे तो आंसर 3 मिलेगा, अगर आप 3/4 आंसर रखेंगे तो 0 मिलेगा, अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, और अगर आप -1 रखेंगे तो आप देखिए 7 मिलेगा आपको आंसर। तो हर बार जब आप एक डिफरेंट नंबर रख रहे हैं डोमेन में से तो को डोमेन में से भी एक यूनिक नंबर ही आपके सामने आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने यहाँ पर एक डिफरेंट नंबर रखा, यहाँ डिफरेंट नंबर रखा और आपका आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो दैट मीन्स आपके पास हर डोमेन के लिए एक डिफरेंट रेंज है, इसलिए ये फंक्शन आपके पास 1-1 फंक्शन है। और अगर बात करें को डोमेन के सारे एलिमेंट रेंज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो आप रियल नंबर में ये चेक कर लीजिए, क्या को डोमेन में से नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, जीरो आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आप बात करें क्या इसका आंसर जीरो हो सकता है, क्या वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है, अगर आप वो वैल्यू इसमें से नहीं सोच पा रहे हैं तो इसे जीरो के इक्वल रखकर देखिए, आपको पता चल जाएगा अगर एक्स की वैल्यू आप 3/4 रखेंगे तो आपको वाई का आंसर क्या मिल सकता है, जीरो, यानी जीरो नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव तो हमें दिख ही रहे हैं, क्या नेगेटिव नंबर आंसर हो सकता है इसका। तो आप एक काम करिए, 3-4x को किसके इक्वल इक्वेट करिए, -1 के इक्वल इक्वेट करिए, आपको पता चल जाएगा क्या x की कोई ऐसी वैल्यू लाइक कर रही है जिस पर इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है। तो आप ये देखिए 3+1=4x, यानी आपके पास 4/ ये आपके पास x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे यहां पर तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। तो अगर आप कोडोमेन को देखेंगे तो 0 भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पॉजिटिव भी इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्रैक्शन में भी आपके पास आ रहा है, तो सभी तरीके के नंबर जो हैं वो कोडोमेन में से जुड़ रहे हैं रेंज के लिए। तो इसका मतलब ये आपके पास एक ऑनटू फंक्शन भी है। तो एज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक रेंज, दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। एज ऑल द एलिमेंट ऑफ को डोमेन बिकम रेंज, दस इट इज ऑन टू फंक्शन। अब आपको जस्टिफाई करना है, आपको समझ तो आ गया कि ये चीज है, वैसे जस्टिफिकेशन आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करें तो एनसीईआरटी में एक और जस्टिफिकेशन आपको गिवन है। ये फंक्शन आपको गिवन था 3-4x, अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये 1-1 है, क्योंकि आप जान चुके हैं ये 1-1 है, तो आप x की जगह पर एक एलिमेंट लीजिए, दैट इज x1, दैट इज 3-4x1। फिर आप एक एलिमेंट लीजिए x2, जो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे डिफरेंट है, x1 जो है x2 एलिमेंट से डिफरेंट है, पहली अजम्पशन ये है। तो आपके पास आंसर आ गया 3-4x2। आप पहले ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मेनी वन है, पर आपको धीरे धीरे प्रूव हो जाएगा कि ये मेनी वन नहीं है। आपने x1 एलिमेंट रखा तो आपके पास ये आंसर आया, x2 एलिमेंट रखा तो ये आंसर आया। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये दोनों आंसर सेम हो, यानी fx1 fx2 के इक्वल हो, यानी 3-4x1 3-4x2 के इक्वल हो, तो इसके लिए जरूरी है कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट ना हो, दोनों अगर सेम होंगे तो ही आपको आंसर सेम मिलेगा। यानी अगर आपने x1 जो है वो 1 रखा और x2 अगर आपने -1 रखा तो fx1 और fx2 का आंसर आपके पास सेम नहीं आएगा, तभी आएगा जब x1 और x2 एक्चुअली में क्या है, सेम। तो ये फंक्शन क्या कहेगा कि 1-1 है, ये मेनी 1 नहीं है। मेनी 1 तब होता जब x1
रखने पर भी वही आंसर आ जाता जो माइनस वन रखने पर आपका होता, तो वो मेनी वन होता। फिलहाल ये फंक्शन आपके पास वन वन प्रूफ हो गया, अब आपने इसे ऑन टू प्रूफ करना है। तो हम इसकी डिपेंडेंसी चेंज कर देते हैं। तो एफ एक्स आपके पास गिवन है 3 - 4x, एफ एक्स नथिंग बट वाई, वाई इक्वल टू 3 - 4x। नाउ x की वैल्यू निकाल दीजिए, 4x वहां चला गया, 3 - y, x की वैल्यू आ गई 3 - y/4। अगर ये वैल्यू फंक्शन में रखने पर वो y के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब आप हर एलिमेंट जो डोमेन में से है उसे रेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन भी है। तो आपने क्या करा, ये जो x की वैल्यू आपने निकाली इसे इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपके पास ये देखिए, x की जगह पर आपने ये रखा 3 - y/4, तो यहां पर भी राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, 3 - 4, ये x की जगह पर आपके पास वैल्यू आ गई। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये y के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हर डोमेन के लिए आप एक को डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हर एलिमेंट जो को डोमेन का है वो रेंज बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। तो हमें यही चेक करना था कि ये वन वन और ऑन टू है, तो ये दोनों चीजें हैं, इसका मतलब ये आपके पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। नाउ द नेक्स्ट, इसी का ही आपके पास सेकंड पार्ट गिवन था, फंक्शन रियल से रियल है, यानी डोमेन जो है वो रियल नंबर है और कोडोमेन भी आपके पास रियल नंबर है। फंक्शन आपको गिवन है x2 + 1। अब आप खुद देखिए आपके पास यूनिक आंसर आएगा या नहीं। आप देखिए 1 रखते हैं तो भी आपको 2 मिल गया, अगर आप यहाँ 1 रखते हैं f(1) तो भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, अगर आप -1 रखते हैं तो भी आपके पास आंसर कितना आ गया 2। यानी तो डिफरेंट नंबर के लिए, यानी x1 और x2 अगर डिफरेंट थे तो आपके पास आंसर आपको क्या मिल गया, सेम मिल गया। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज मेनी वन, दिस इज नॉट वन वन, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट रखने पर भी अगर सेम y मिल जाए तो वो आपके पास मेनी वन फंक्शन कहलाता है। तो यहां पर आपके पास ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन। अब बात आती है क्या ये ऑन टू है, ऑन टू होने के लिए क्या जरूरी है कि जो कोडोमेन है विच इज योर रियल नंबर, क्या इसके सभी एलिमेंट y में जुड़ रहे हैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, नहीं। देखिए आप अगर y को देखेंगे तो y का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, आप कुछ भी करके देख लीजिए y का आंसर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। एक बार चेक करने के लिए आपने क्या करा, इसको -1 के इक्वल इक्वेट किया, तो आप देखिए x2 ये 1 वहां चला जाएगा -2। अब आप देखिए इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव मतलब आयोटा, यानी इमेजिनरी नंबर, और आयोटा वाले नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। यानी आपको x की कोई ऐसी वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर्स ही हैं यहां पर भी x के लिए, तो x के लिए आपको एक इमेजिनरी नंबर चूज करना पड़ेगा तभी आपको y नेगेटिव मिलेगा, जो कि आपके पास डोमेन में भी नहीं है इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी आपके पास को डोमेन में से किसी भी कीमत पर नेगेटिव वैल्यूज नहीं ज्वाइन होंगी, ना रेंज बनेंगी, क्योंकि डोमेन में से कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं है जो रखी जा सके कि आपको आंसर नेगेटिव मिल सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू आप रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर उसमें +1 है। इफ इट इज -1 तो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज होती, लेकिन यहां पर आपके पास +1 है तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि को डोमेन में से कुछ एलिमेंट लेफ्ट आउट रह जाएंगे जो कि आपकी रेंज नहीं बन पाएंगे। This is not onto function. That means this function is neither one one nor onto. तो क्लास आप कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, आप लिखेंगे अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो भी आपको 2 मिला, -1 रखी तो भी 2 मिला, 2 रखी तो 5 मिला, -2 रखी तो भी 5 मिला। As this is a many one function, this is not one one or not injective function. और codomain की बात करें, negative numbers of codomain cannot become part of the range. मतलब वो range में नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर जो range है वो सिर्फ subset है, छोटा set है codomain का, यानी codomain के सारे element range में नहीं आए। Above function is not onto, that means it is neither one one nor onto. तो ये आपके पास bijective भी नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, शो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, सच दैट फंक्शन में आपने एक्स की जगह जब ए बी रखा तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, बी क्रॉस ए। आपको प्रूफ करना है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, शो कहा गया। आप क्या मतलब है, आपके पास एक सेट गिवन था, ये नहीं पता कि उसके एलिमेंट्स क्या थे। लेट इट बी एलिमेंट है a1, a2, a3, a4, -, और एक बी सेट था, उसके एलिमेंट थे b1, b2, b3, b4। जो डोमेन है वो ए क्रॉस बी है। डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, यानी a1, b1, a1, b2, a1, b3, इस तरीके से आपके डोमेन हो गए। और जो कोडोमेन है वो बी क्रॉस ए है, यानी b1, a1, b1, a2, b1, a3, ये इस तरीके से आपके पास कोडोमेन हो गई। दिस इज योर डोमेन, क्योंकि हम जब फंक्शन में लिखते हैं रियल टू रियल, तो उसका मतलब क्या होता है, डोमेन रियल, कोडोमेन रियल। यहां पर क्या मतलब हुआ, अगर दो सेट्स हैं आपके पास तो उसकी डोमेन ए क्रॉस बी है, दैट मीन्स दिस इंटू दिस, और कोडोमेन क्या है, बी क्रॉस ए।
क्लियर। अब आपको फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है कि अगर आप एक्स की जगह पर ए बी रखते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो बी ए हो जाता है, राइट। तो अब देखिए, अगर आप यहां से एक्स के लिए यानी फंक्शन में ए वन बी वन रखेंगे एक्स के प्लेस पर, जैसे कि फंक्शन गिवन होता है आपको एफ एक्स, उसकी जगह पर आपको ये ए बी गिवन है, तो अगर आपने ए वन बी वन लिया यहां से, जो कि डोमेन होती है आपकी, तो अगर आपने ए वन बी वन लिया तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, जो आप एलिमेंट लोगे उसका ऑर्डर बदल देगा, यानी आपको क्या दे देगा, बी वन ए वन, यानी ए वन बी वन किससे जुड़ जाएगा, बी वन ए वन से। अगर आप इसमें से ए टू बी टू लेते हैं तो ये आपको आंसर क्या देगा, बी टू ए टू देगा। इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यूज, ए टू बी थ्री अगर आप लेते हैं तो अगर आप यहाँ ए टू बी थ्री रखते हैं तो ये उसको क्या दे देगा आंसर वाई में, बी थ्री ए टू। तो आप देख रहे हैं हर डोमेन के लिए आपको डिफरेंट रेंज मिल रही है, दैट मीन्स दिस इज वन वन फंक्शन। और आप ये देखिए जितने एलिमेंट इसके पास हैं उन एलिमेंट्स को जब आप रखेंगे तो उनका रिवर्स करके आपको बी क्रॉस ए में कोडोमेन जो है रेंज बन रही है। इसका मतलब इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो रेंज में इस्तेमाल जरूर होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं उतने ही बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स हैं। तो जब आप कोई भी एलिमेंट इसमें रखोगे तो वो किसी ना किसी एलिमेंट से जरूर जुड़ जाएगा रेंज में, दैट मीन्स दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। एज एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, दस द गिवन फंक्शन इज वन वन, ऑल द एलिमेंट ऑफ को डोमेन बिकम रेंज। हियर रेंज इज अ सबसेट इक्वल टू, या आप इक्वल टू भी बोल सकते हैं को डोमेन का, दस फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आपने फंक्शन में ए वन बी वन रखा था तो आपको रिजल्टेंट क्या मिला, बी वन ए वन, और अगर आपने ए टू बी टू रखा तो उसने क्या दिया, फंक्शन में क्लियरली आपको बता रखा है देखिए कि फंक्शन ए बी का रिजल्ट क्या होगा, बी ए होगा। तो बस ध्यान से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर आपके पास ये आपने एक तरीके से x1 वाला ही किया, जैसे कि आप x1 रखते थे तो हमने लिया, लेट इट भी आपने a1 b1 रखा तो आपके पास b1 a1 आंसर आया, आपने a2 b2 रखा b2 a2 आया। अगर हम ये कहते हैं कि ये वाली वैल्यू इस आंसर के इक्वल है तो इसके लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि b1 किसके इक्वल होना चाहिए, b2 के, और a1 किसके इक्वल होगा, a2 के, क्योंकि कभी भी 2.3 3.2 के इक्वल नहीं होता, दैट मींस ये 2.3 ही होगा तभी आपके पास इक्वल आएगा। तो जिस तरीके से आप प्रूव करते थे कि x1 x2 के इक्वल है, इसी तरीके से हम लोगों ने यहां प्रूव करा है 1 1 को जस्टिफाई करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। 9 में आपको फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। फंक्शन अगर आप n की वैल्यू ऑड लेते हैं तो एफ एन आप ऐसे निकालेंगे, यानी y ऐसे निकालेंगे, अगर आप n की वैल्यू इवन लेते हैं तो आप ये एफ एन ऐसे निकालेंगे। इसका मतलब जो डोमेन है वो आपके पास ये है, क्योंकि आप वैल्यूज इसमें से डालेंगे, और जो आंसर्स हैं जो रेंज है वो आपकी यहां से निकल कर आएंगी। आपको फंक्शन की बना है नेचुरल से नेचुरल, बी डिफाइंड एट स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपके पास जो फंक्शन है वो नेचुरल से नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल में क्या होता है, 1 2 3, यहां पर भी आपके पास 1 2 3। अगर आपने 1 चूज करा, यानी अगर आप n की वैल्यू, यानी ये वाली जो वैल्यू है, अगर आप 1 रखते हैं तो आपको ये वाला फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर आप 1 रखते हैं तो 1 + 1/2, योर आंसर इज 1, यानी 1 किससे जुड़ गया आपके पास, 1। अगर आपने 2 रखा तो आपको इवन वाला लेना पड़ेगा, अगर n इवन है तो आपको ये फंक्शन लेना है। तो आपने यहां पर 2 रखा तो n बाय 2, ये भी कितना आ गया, 1, तो 2 भी किससे ज्वाइन हो गया, 1। सिमिलरली जब आपने 3 लिया तो ये ऑड था, तो ऑड के लिए अगर आप n ऑड लेंगे, यानी यहां से जो x की वैल्यूज है वो ऑड लेंगे तो आप यहां पर रखेंगे उसे। अगर ऑड लिया 3 + 1/2, यानी ये आपके पास 2 आ गया, तो 3 किससे जुड़ गया, 2 के साथ। अगर आप 4 लेते हैं जो कि इवन नंबर है तो आप यहां रखेंगे, वो भी किससे जुड़ गया, 2। क्लियर है कि आप दो डिफरेंट डोमेन जब रख रहे हैं तो रेंज आपके पास सेम आ रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज मैनी वन, दिस इज नॉट वन वन। और बात आई कि ये आपके पास क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखिए इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि 3 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आप जब 5 रखेंगे तो 5 रखने पर आपके पास 3 से जुड़ जाएगा, और 6 रखने पर भी आपके पास 3 से जुड़ जाएगा। इसी तरीके से 4 5 6 7, एक्चुअली वी डोंट नो कि नेचुरल नंबर का एंडिंग पार्ट कहाँ है, तो वी कांट से कि कुछ एलिमेंट, कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट रहेंगे, तो ये भी चलते रहेंगे ये भी चलते रहेंगे, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट यहां पर अभी तक फिलहाल नहीं दिख रहा जो नेचुरल नंबर में से लेफ्ट आउट रह जाएगा। इसलिए हम ये बोलेंगे कि इसके सारे एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, रेंज बन रहे हैं, इसलिए ये ऑन टू जरूर है बट ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो फ्रॉम द अबव एरो डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन एज टू डोमेन, टू डिफरेंट डोमेन हैज अ सिंगल रेंज, दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, एज ऑल द एलिमेंट ऑफ को डोमेन बिकम रेंज, क्योंकि सभी एलिमेंट्स
यूज हो जाएंगे इसके। हियर रेंज इज सबसेट एंड इक्वल टू को डोमेन, दस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि ऑन टू तो है बट वन वन यानी इंजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दैट मीन्स इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट ए सेट आपको गिवन है रियल नंबर में से 3 को एक्सक्लूड कर दीजिए, और बी सेट आपको गिवन है रियल नंबर में से 1 एक्सक्लूड कर दीजिए। कंसीडर द फंक्शन ए टू बी, यानी डोमेन आपने इसमें से लेनी है और को डोमेन इसमें से लेनी। तो दिस इज योर डोमेन आर माइनस थ्री, दिस इज योर डोमेन एंड आर माइनस वन, ये आपके पास को डोमेन है। आपके पास फंक्शन आपको गिवन है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू, इज एफ वन वन ऑन टू, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए आपके पास पहले से क्लियर है कि एक्स की वैल्यू आप थ्री नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू थ्री लेते हैं तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और वाई का आंसर वन नहीं आ सकता। वो उसने क्लियरली यहां पर हटा दिया कि वाई का आंसर जो है वो वन नहीं आ सकता, यानी कोडोमेन में से सब आंसर आ सकते हैं, सिर्फ वाई नहीं लिया जा सकता। तो देखिए ये वन वन है या नहीं है। देखिए अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ टू रखते हैं तो आपको जीरो मिलेगा, अगर आप फाइव रखते हैं तो आपको थ्री बाय टू मिल रहा है, अगर आप वन रखेंगे तो वन बाय टू मिलेगा। यानी हर डिफरेंट एक्स के लिए आपके पास एफ एक्स जो है, यानी जो वाई है, वो एक डिफरेंट नंबर है, यूनिक नंबर है, रिपीटेशन नहीं है आपके पास कि आपके पास दो अलग अलग डोमेन के लिए एक रेंज आ रही है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डेफिनेटली वन वन फंक्शन। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं क्या इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, तो आपने एक आर्बिट्री बेसिस पर नेगेटिव नंबर लेकर देखा, लेट इट बी माइनस वन, हम लोगों ने देखा क्या इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो आपने माइनस वन लेके देखा तो आपको पता चल गया कि अगर आप एक्स की वैल्यू फाइव बाय टू पुट करेंगे तो इसका आंसर माइनस वन आ जाएगा। अगर आपने ये चेक करना है क्या इसका आंसर जीरो आएगा, तो आप रखकर देख लीजिए एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा किन एक्स की वैल्यूज पर ये वाली वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव सब वैल्यूज आ रही है। तो देखा जाए तो आपके पास सभी तरीके की वैल्यूज जो को डोमेन में है वो आपके पास क्या बन रही हैं, रेंज बन रही हैं। कोई भी एलिमेंट जो है वो आपके पास नहीं बच रहा, इसका मतलब ये आपके पास एक ऑन टू फंक्शन बी है। अब जस्टिफाई करना है आपने, तो जस्टिफाई करने के लिए हमने फंक्शन लिया, इसमें एक बार एक्स वन रखा, तो एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री, फिर हमने एक दूसरा डिफरेंट एलिमेंट रखा, पहले अज्यूम करा कि ये डिफरेंट है, एक्स टू एलिमेंट रखा, और हम ये कह रहे हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट रखने पर भी आंसर क्या है, सेम है। तो इससे ऑटोमेटिकली डिराइव हुआ कि आंसर सेम तभी मिलेंगे आपको जब x1 और x2 भी सेम होंगे। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन है, यानी x1 अगर डिफरेंट था, x2 अगर डिफरेंट था, तो आपको आंसर सेम नहीं मिलेंगे, आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आंसर सेम हो, तो ये दोनों एलिमेंट अलग होंगे ही नहीं, ये दोनों एलिमेंट एक्चुअली में एक ही एलिमेंट होगा। तो आपने इन दोनों को इक्वेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स, सिमिलरली एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स, कैंसिल आउट हो जाएंगी आपके पास कुछ चीजें। देखिए प्लस सिक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स वन ये आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा, ये आपका राइट साइड पे, माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू। तो आपके पास क्या आ गया कि एक्स वन अगर एक्स टू के इक्वल होगा तभी आपको ये आंसर्स इक्वल मिलेंगे, यानी ये दोनों अलग होने ही नहीं चाहिए। अगर ये दोनों एक ही चीज है तो आंसर सेम आ ही सकता है। अगर आपने वन रखा था तो अगर आपको फाइव मिला तो वन रखने पर आपको फाइव ही मिलेगा, ये मैनी वन फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये कोई अलग डिजिट ही नहीं है। मैनी वन कब होता, जब टू रखने पर आपके पास फाइव आता, तो एफ फंक्शन इज वन वन। ऑन टू भी हम देख चुके थे कि सभी तरीके के एलिमेंट जो को डोमेन के थे वो आपके इस्तेमाल हो रहे थे रेंज में, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है। अब जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन की डिपेंडेंसी बदलनी है, तो आप लोगों ने फंक्शन में एफ एक्स को क्या ले लिया, वाई ले लिया, दैट इज एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्योंकि डिपेंडेंसी बदलने का मतलब यह है अब सिर्फ एक्स यहां होना चाहिए और सारा आंसर आपका वाई में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज बिकम वाई एक्स माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू, तो एक्स वाली टर्म एक साथ, बिना एक्स वाली टर्म एक साथ ले गए, इसमें से आपने एक्स कॉमन लिया, ये आपके पास डिपेंडेंसी बदल गई, अब एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पर, यहां वाई डिपेंड कर रहा था एक्स पर। अब आपने जो एक्स की वैल्यू निकाली है इसे इस फंक्शन में रख दिया क्योंकि एक्स की जगह पर आपके पास ये है। लेट इट बी, अगर आपको इस फंक्शन में कहा जाता है एफ ऑफ वन निकालो, तो आपने एक्स की जगह पर यहां पर भी वन रखने था, वही सेम चीज, अगर एक्स की वैल्यू ये है आपके पास तो वो एक्स की वैल्यू यहां भी रख दीजिए और यहां पर भी रख दीजिए। तो हम लोगों ने यही करा, एफ x की जगह पर ये आया, यानी x की जगह 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, माइनस टू तो आपके पास चल ही रहा है, हियर इज ऑल्सो 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, टेक एन एलसीएम, कैंसिल आउट होकर ही आपके पास कितना आंसर आ जाएगा y, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू y इक्वल टू x, इसका मतलब जो वैल्यूज आप x की रखेंगे उसके लिए y की वैल्यूज आपको जरूर मिलेंगी, यानी यहां पर जो को डोमेन है उसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं रेंज के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. लेट फंक्शन आपको गिवन है आर से आर एज डिफाइंड. फंक्शन है आपको एक्स की पावर 4. आपको बताना था कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं. तो आप देखिए रियल नंबर से रियल नंबर, अगर आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी आपको 1 मिल जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो भी 1 मिल जाएगा. दिस इज योर मैनी वन फंक्शन. नाउ ऑन 2 की बात आती है अगर, तो क्या सभी एलिमेंट्स इसमें से यूटिलाइज हो पाएंगे? नहीं. अगर आप बात करें किसी भी कीमत पर, आपको वाई का आंसर नेगेटिव नहीं मिलेगा. यानी एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसके लिए आपको वाई नेगेटिव मिले. यानी रियल नंबर में से, यानी कोडोमेन में से नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो लेफ्ट आउट रह जाएंगे, वो आपकी रेंज नहीं बन पाएंगे. दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू एज वेल. दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एज टू डोमेन हैज अ सिंगल रेंज, एंड फंक्शन इज नॉट ऑन टू एज नेगेटिव वैल्यूज इन कोडोमेन डजंट बिकम पार्ट ऑफ द रेंज. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको फंक्शन गिवन है आर से आर. फंक्शन है आपके पास 3x, तो आपके पास डोमेन जो है वो रियल है और कोडोमेन भी रियल है. अगर आप 1 रखेंगे तो आपको 3 मिलेगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, माइनस 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा. यानी हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपको एक डिफरेंट रेंज मिल रही है, डिफरेंट आंसर मिल रहा है. तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया? 1 1 हो गया. और इसमें से सभी तरीके के आंसर्स आपके आ सकते हैं. यानी y का आंसर आपका 0 भी आ सकता है. यानी अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 भी आ जाएगा. अगर आप 1/2 रखेंगे तो फ्रैक्शन भी आ जाएगा, -1/2 रखेंगे तो नेगेटिव भी आ जाएगा. तो इसमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इससे ज्वाइन नहीं होगा. यानी सभी एलिमेंट्स जो कोडोमेन के हैं वो आपके रेंज बन सकते हैं. इसीलिए ये फंक्शन आपके पास ऑन टू फंक्शन भी है. तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है. दैट मीन्स दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव. थैंक यू सो मच गाइज.